हाय गाइस, मेरा गौरव, आप देख रहे हो टेक्निकल चैट। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मनी ऑर्डर कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं मनी ऑर्डर कैसे किया जाता है या मनी ऑर्डर है क्या। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए, मनी ऑर्डर बेसिकली पैसा को भेजने में या पैसा को मतलब लाने में काम आता है। ठीक है, पकड़ लो आपको कहीं पे पैसा भेजना है तो उस केस में आपको मनी ऑर्डर करना पड़ता है। अगर आपको कोई दूसरा पैसा भेज रहा है तो उस केस में आपको मनी ऑर्डर करना पड़ता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है या सर्विस है जिसके थ्रू इजीली मतलब मनी सेंड किया जा सकता है। ठीक है, मनी ऑर्डर। ठीक है, आजकल बहुत सारे आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, EMO, IMO, इंस्टेंट मनी ऑर्डर बहुत सारे हैं, VPP, वैल्यू पेबल पोस्ट बहुत सारे हैं गाइस। तो मैं अभी आपको नहीं बताना चाहूँगा, अभी मैं बात करूँगा एमओ यानी मनी ऑर्डर के बारे में। ठीक है, बहुत सारे और एक है VPMO, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर। तो ये सारे जो वर्ड है इसके बारे में अलग वीडियो बन सकता है, ये टॉपिक में अलग अलग वीडियो बन सकता है। तो आज हम बात करेंगे एमओ के बारे में यानी मनी ऑर्डर के बारे में। ठीक है, मनी ऑर्डर आप कर कैसे सकते हो। अभी फिलहाल आपने जाना कि मनी ऑर्डर होता क्या है, अब हम जानेंगे कि मनी ऑर्डर करते कैसे हैं। ठीक है, मनी ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है पोस्ट ऑफिस में, जहाँ भी स्पीड पोस्ट का सर्विस देता हो। ठीक है, उसे जनरल जो भी पोस्ट ऑफिस होते हैं छोटे ब्रांच, उनमें ये सर्विस अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको जाना चाहिए बड़े ऑफिस में अगर आप मनी ऑर्डर करना चाहते हो। तो वहाँ पे जाके आपको बोलना है कि मनी ऑर्डर एक फॉर्म दे दीजिए, वो फॉर्म आपको फिल करना है। कैसे फिल करते हैं उसके लिए अलग वीडियो से आप देख सकते हो मेरे चैनल में, इंडिया पोस्ट पार्सल एंड कुरियर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को फिल करना है, फिल करके वहाँ पे अमाउंट लिखना है, वहाँ पे पेमेंट देना है, तो आपका पेमेंट जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर आप पैसा भेजना चाहते हो, अगर आप पाना चाहते हो कोई भी पार्सल का पैसा, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इस केस में भी कंबाइन मनी ऑर्डर एक होता है। ठीक है, वो भी मनी ऑर्डर ही है। तो उस केस में दूसरे तरीके से मनी ऑर्डर फॉर्म को फिल किया जाता है, उसके बारे में भी मैंने वीडियोस बना रखी है, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है उसको फिल करके अपने पार्सल में लगा दीजिए। आपका पार्सल का अगर आप पैसा चाहते हो तो वहाँ पर जब पहुँचेगा तो आपका जो पैसा है वो पोस्टमैन कलेक्ट करके आपको दे देगा। वहाँ पर ऑप्शन दो तीन रहता है। ठीक है, बैंक में भी आप ले सकते हो या कैश हैंड टू हैंड भी आप ले सकते हो। तो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मनी ऑर्डर कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं एवरीडे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रिस्पेक्ट योर वैल्यूएबल टाइम। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी बिजनेसमैन या ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है और उसे मतलब कैश ऑन डिलीवरी में कोई भी पार्सल भेजना है इंडिया पोस्ट के थ्रू, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी में प्रोडक्ट को भेज सकते हो और उनसे पेमेंट आप पा सकते हो। ये भी हालांकि मनी ऑर्डर में ही आता है, इसको भी मनी ऑर्डर ही कहा जाता है, कंबाइन मनी ऑर्डर। ठीक है, या VPP बोला जाता है। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, या मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बाय।